ये जो आप जनसैलाब मेरे पीछे देख रहे हो, ये दरअसल पंजाब और हरियाणा का इंटरस्टेट जो बॉर्डर है शंभू गांव में है, ये ठप हुआ हुआ है। पंजाब के किसान और जो युवा हैं वो जो कृषि ऑर्डिनेंस पास किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ, उसकी मुखालफत कर रहा है। आज पंजाब जो है पूरी तरह से बंद कर रखा है, पंजाब में एंट्री जो है आज बिल्कुल बंद है, और ये लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, अपना रोष प्रकटा रहे हैं। और इससे आगे जो आप देखेंगे जिस हाईवे पे मैं खड़ा हूँ, ये हाईवे जो है दिल्ली की तरफ बढ़ता है, हरियाणा शुरू हो जाता है। तो आखिरकार किसान को सड़कों के ऊपर उतरना क्यों पड़ रहा है? और यहाँ पर मेरे साथ जो है पंजाब यूनिवर्सिटी की जो पहली जो है फीमेल प्रेसिडेंट रही हैं वो भी हैं, कनुप्रिया। ये जो आप जनसैलाब देख पा रहे हो, यूथ है, हालांकि कोई बड़ा लीडर नहीं है, सब लोग खुद निकल के आ रहे हैं, इसे आप किस तरीके से देखते हो? ये आक्रोश किस तरफ जा रहा है? ये आक्रोश उसी लड़ी में जुड़ता है जिस तरीके से NRCCA में बहुत ही ऑर्गेनिकली हर जगह से एक प्रोटेस्ट उमड़ रहा था। हर जगह पे, हर कूचे में औरतें मर्द बैठ के एक धरना प्रदर्शन कर रही थी। अब पंजाब के ऊपर बारी आई है, अब किसानी के ऊपर बारी आई है, तो हरियाणा, राजस्थान, बेंगलोर की सड़कों में यही लोगों ने अपने इकट्ठ को, अपने हजूम को सड़कों पे वापस लाके ऑक्यूपाई करने की एक जो कॉल दी हुई थी 25th की। तो आज भी जो हम देख रहे हैं ये पीछे इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, ये इसी चेतनता से आए हैं कि जो ये ऑर्डिनेंसेस पास हुए हैं ये उनके वजूद पे जाके हिट कर रहे हैं। ये किसानी के ऊपर जिस तरीके से वन नेशन वन मार्केट का एजेंडा लेके आए हैं, ये उसी तरीके से है जिस तरीके से पहले वन नेशन वन लैंग्वेज वन पीस ऑफ थिंग्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे ये। तो आज पंजाब का किसान जो है, पंजाब के नौजवान जो है, स्पेशली कलाकार है, कारकुन है, विद्यार्थी है, वो इस अटैक को बहुत ही चेतनता से समझ चुके हैं। एक बार मैं दृश्य दिखा दूं पीछे कि ये भीड़ किस तरफ जा रही है, कि भीड़ है कितनी है, क्योंकि यहाँ से जो है हरियाणा का बॉर्डर बिल्कुल साथ ही है, और ये आप फेसबुक लाइव देख पा रहे हो, पंजाब के और हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर शंभू जिसे बॉर्डर बोला जाता है, इंटरस्टेट बॉर्डर, वहां से आप देख पा रहे हो ये लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर जो है खेती के कृषि के संबंध में जो ऑर्डिनेंस पास किए गए हैं उन ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। तो ये पंजाब के नौजवान है, हालांकि इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे जो है कोई बड़ा लीडर नहीं है, सिर्फ यूथ है। हालांकि जो किसान संगठन है वो पंजाब के अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं, पर यहाँ पर जो है यूथ बड़ी गिनती में पहुंचा हुआ है। गर्मी है, कोरोना है, उसके बावजूद यहाँ पे आप देखोगे कि लोग आराम से बैठे हुए हैं। और ये जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ फेसबुक के जरिए लाइव कर रहे हैं हम लोग, तो सूरज जो है वो सर के ऊपर है, यानी कि इस टाइम गर्मी है और तपश इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर 10 मिनट के बाद आप खड़े नहीं हो सकते, पर यहाँ पर सुबह से लेकर 9 बजे के लोग यहाँ से जुटना इकट्ठे हुए हुए हैं और भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। ये दरअसल 31 किसान जो संगठन है पंजाब के, उन्होंने जो है आज पंजाब बंद की कॉल दी गई थी। अगला जो है कल से रेल जो है वो रोके हुए हैं और 26 तारीख तक जाएंगे, पर फिलहाल पंजाब का किसान जो है सड़कों के ऊपर उतरकर इन ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो है अपना रोष प्रकटा रहा है। कनुप्रिया मेरे साथ हैं। कनुप्रिया, एक चीज ये समझने की जरूरत है इसमें कि यहाँ पे कोई लीडर नहीं है। यहाँ पे आमतौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इस भीड़ का फायदा उठाने की कोशिश करता है, पर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, सब लोग दूर दूर से, इनसे भी हम बात करेंगे। ये जो यूथ है, जो चेतनता है आपकी, आप बात कर रहे हो कि पंजाब का किसान इस चीज को समझ चुका है या हरियाणा का किसान समझ चुका है कि उनके लिए ये ऑर्डिनेंस सही नहीं है। देखिए, ये तो अब सारे देश के जितने भी लोग हैं वो देख चुके हैं कि एक सर्कस चल रहा है, एक तमाशा चल रहा है, जिसमें मदारी हर बार टीवी पे आता है। कभी ताली बजाने को कहता है, कभी थाली बजाने को कहता है, कभी लॉकडाउन कर देता है, कभी 370 हटा देता है, कभी ऑर्डिनेंसेस पास कर देता है, कभी 15 बिल ऐसे में पास कर दिए जाते हैं। तो अब ये तो समझ चुके हैं सभी कि ये आएगा, अपना छैना बजाएगा, जिसमें ये कहेगा कि अच्छे दिन आ चुके हैं, मैं जानता हूँ कि आपकी भलाई किसमें है, मैं जानता हूँ किसान की भलाई किसमें है, मैं जानता हूँ कश्मीर की भलाई किसमें है, मैं जानता हूँ विद्यार्थियों की भलाई किसमें है। तो ये जो आदत पड़ चुकी है हमारे मदारी को आजादी देने की, इस चीज को अब लोग समझ चुके हैं कि ये किस झूठी आजादी की बात करी जा रही है और ये किस की आजादी की बात करी जा रही है। ये उस यूथ से बात कर लूं, ये विचार कनुप्रिया के हैं और यूथ क्या कह रहा है ये इनसे हम बात करते हैं। आप कहां से आए और क्यों आपको लगता है कि सड़क पे आके आपको प्रदर्शन करना चाहिए? आप खेती करते हो?
हम राजपुरा से आए हैं, हम किसानी से जुड़े हुए हैं, बट हमें ये लगता है ये ऑर्डिनेंस है जो बिल्कुल फार्म के फार्मर के खिलाफ है। इससे हमारी जमीनों पर प्राइवेट हो जाएगा और इससे हमारे जो फार्मर हैं वो उसको शोषण करेंगे वो उनका, इसलिए ये पूरी तरह से गलत है, इसको वापस लिया जाए। अब ये तो ऑर्डिनेंस तो पास कर दिए गए हैं, अब तो राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए चले गए हैं, वो तो हमारे जो किसान भाई हैं वो देखेंगे इसको क्या करना है, वो हम इसका पूरे जोर से विरोध करेंगे। तो अब आने वाले दिनों में रेल का रोकने का ऐलान कर दिया गया है और फिलहाल जो है ये जो हाईवे बंद कर दिया गया है, लगता है आपको कि आवाज़ आपकी बात सुनी जाएगी? जैसे हमारे जो किसान भाई कहेंगे हम उनके साथ ही रहेंगे, हम उनके साथ अपने साथ उनके रहेंगे, जो कहेंगे हम वही करेंगे। ठीक है, तो ये पंजाब के ये किसान हैं जिनका एक तरह से साफ किया है कि जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक जो है वो सड़कों के ऊपर उतर कर प्रदर्शन करेंगे। कुछ और नौजवान है मेरे साथ, आप थोड़ा आगे आइए। क्या नाम है आपका? गुरजीत सिंह। अगर आप मास्क लगा लोगे तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कोविड है। तो गुरजीत सिंह जी, आपका क्या करते क्या हुआ? जी खेती बाड़ी करते हैं सर। ठीक है, तो अभी तो जो ये ऑर्डिनेंस आ गए हैं पास भी कर दिया, आपने फिर उतार दिया मास्क? अरे कोई बात नहीं सर, हम कोरोना से नहीं मरेंगे, ऑर्डिनेंस से मर जाएंगे। अच्छा जी, तो क्यों आपको लगता है कि इससे आपको दिक्कत क्या आ रही है? सर MSP ना 23 फसल पे है पहले, ठीक है, उसमें से जो 21 फसलें हैं ना उनका MSP से आधा रेट मिलता है हमें, ठीक है सर। जैसे मक्का है 1850 है उसका MSP, लेकिन 650 बिकती है, 950 बिकती है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है सर। अगर इन्होंने हमारे लिए कुछ करना ही है मोदी जी ने, तो जो 21 फसलें हैं ना उनकी MSP ऐसा कोई कानून लेके आए कि 21 फसलों की जो MSP है ना उससे नीचे कोई ना खरीदे, ठीक है जी, पहले वो करें। ठीक है, 23 फसलों की जो MSP है उससे नीचे कोई ना खरीदे। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये जो मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि संसद में कानून पास भी होते हैं लागू भी हो जाते हैं, पता नहीं चलता हम लोगों को, पर इस बार मैं देख पा रहा हूँ कि गांव में किसान को, महिलाओं को, सबको पता है ये कानून है क्या है और इसका क्या हमें नुकसान होगा। ये जो चेतनता आ रही है आप लोगों को, ये कहाँ से आप लोगों को पता चल रहा है? सर अब जो नई पीढ़ी है वो पढ़ी लिखी है, सोशल मीडिया से पता चलता है, ठीक है, TV से भी पता चलता है, पहले वाले किसान अब नहीं रहे हैं, अब जो नया यूथ है वो पढ़ा लिखा है, उस चीज को समझते हैं। अब मोदी जी ने 3-4 कानून लेके आए हैं, सभी फायदे के लिए लाए हैं, लेकिन किसी का फायदा हुआ है? ठीक है जी, 3-4 नोटबंदी लेके आए, GST लेके आए, NRC लेके आए, क्या जरूरत थी उनकी? कानून चाहिए, एक ही चाहिए हमें, सिर्फ करप्शन के खिलाफ, रिश्वतखोरी के खिलाफ। ठीक है जी, आपका नाम क्या है? जनरल सिंह। कहाँ से हो आप? आइए, मैं DSP रिटायर्ड, पंजाब किसान को हेल्प करने आया हूँ। क्या नाम क्या आपका? जनरल सिंह जी। जी जनरल जी, आप पुलिस में भी रहे हो, तो ये जो इस तरह के प्रदर्शन का तो तजर्बा काफी रहा होगा, क्योंकि भीड़ को इसका कोई मतलब ये नहीं कि कोई लीडर है इसका, ये खुद आ रहे हैं आप लोगों को, ये आप किस तरह इसको देखते हो? यार जो अब काम हो रहा, मैं इतना खुश हो आज देख के, पहली बार मैं 35 साल सर्विस करी है, सिपाही तो लेके DSP तक कोई सिफारिश नहीं थी, नथिंग एनी सिफारिश अपने बलबूते से, तो एक कट में पहली बार देख रहा जवाना ना, मैनू देख के इतनी खुशी है, मैं कुछ का बयान नहीं कर सकता। नंबर 2, 3 गल करनी है तो देश बेचता अगे, मेरे पुत जेड़े ये है, कोई रेल में भर्ती होंदा सी, कोई पुलिस च, सिर्फ मिलिट्री नूं छड्डो, मिलिट्री दा मरा रहे हैं ना, वो जिस देश ने बंदे मार रहे साडे चीन, उहदे तो जून च पैसा लिया, सितंबर च लिया, चलो वो छड्डो, मैं वही कह रहा हूं, किसान वाले पासे आ जाओ, मुद्दे की बात करो, किसान वाले पासे आ जाओ, किसान वाले भाई जेड़े इन्हें ऑर्डिनेंस करे हैं, एड्डी पढ़ी दुनिया लिखिया नूं बुद्धू बनाना, क्योंकि MSP कहिंदा रहेगी, उहदे च 3 अक्षर क्यों नहीं लिखदा, क्योंकि अगर MSP खत्म हुंदी है तां सुप्रीम कोर्ट च जाएगा, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ SDM ਕੋਲ, ਵੱਟ ਇਜ SDM, SDM ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਬਈ? ਇਹ ਆਕਰੋਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਰਹੇ ਹੈ तो इस तरह के आंदोलनों को समझते भी हैं, क्योंकि काबू आज ये खुद आंदोलन में आए हैं। तो ये एक पंजाब की तस्वीर है, एक बार फिर से देखो कि कितना ये हाईवे है, आप कई किलोमीटर लंबा ये जाम लगा हुआ है और कोई भी गाड़ी यहाँ पे चल नहीं रही, धूप है, उसके बावजूद यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं ताकि किसी तरीके से दिक्कत उनको जो है यहाँ पर लोग पहुंचे, अपना रोष प्रगटा रहे हैं। और ये युवा है, हालांकि किसान जो है वो मालवे के अलग अलग जगह पे हुए हैं, ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि अपना रोष प्रगटा सके। कनुप्रिया, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि ये आमतौर पर महिलाएं नहीं निकलती इस तरह के आंदोलनों में, पर हम पटियाला देख रहे हैं, बादल गांव में देख रहे हैं, महिलाएं बहुत, हालांकि यहाँ पे नहीं आई हैं। ये वही महिलाएं हैं जो केसरी दुपट्टा लेके धरनों पे पहुंचती हैं, भगत सिंह की फोटो लेके ये पहुंचती हैं, करतार सिंह सराबा के नारे लेके। तो पंजाब के इतिहास में माई भागो भी रही है, पंजाब का इतिहास में औरतों की उतनी शमूरियत रही है, वो लड़ाकू रही है, और आज वही लड़ाकू औरतें पंजाब के जगह जगह के प्रोटेस्ट में पहुंची हुई है।
जरूरत है तो इस रस्ते को और चौड़ा करने की और औरतों को शमूलियत दिखाने की, क्योंकि जमीन का सवाल जब आता है तो वो सिर्फ मर्द का नहीं है, वो सिर्फ एक अपर कास्ट का नहीं है, वो यहाँ के मजदूर का है, वो हर किरती का है। तो जब जमीन का सवाल आएगा, जब अपने अधिकारों का सवाल आएगा, तो उसमें औरत भी अपनी बखूब तरीके के साथ अपनी मौजूदगी दिखाएगी और उसको लीड भी करेगी इनफैक्ट। तो ये जो एक दृश्य है वो हम पंजाब की जगह जगह देख सकते हैं। वो किसान यूनियन की औरतें जो अपना पैरवाई कर रही हैं वो हम देख सकते हैं। बाकी किसान जथेबंदियां, जब किसानी क्या है खुद में ही, जब चोना लगाया जाता है, पैडी की फसल होती है, तो वो औरतें भी बरोबर आती हैं, उसमें भागीदारी दिखाती हैं अपनी, उसमें दलित औरतें आती हैं, उसमें जब घरों में भी देखा जाए तो बहुत सारी औरतें जो कि किसानी में, ऐसे ऑर्डिनेंसों से तो SDM के पास कौन सी औरत जा पाएगी। हमारे सिस्टम में जितने भी मंत्री हैं उनके पास सिर्फ, या जितने भी एक ये ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, ब्यूरोक्रेसी है, उसके पास सिर्फ कोई हेजमनी वाला, कोई अपर कास्ट, अपर क्लास, कोई एक पावर्स वाला बंदा ही जा पाता है। अच्छा, एक चीज देखिए कि ये पंजाबियों में जोश बहुत होता है, चाहे दिल्ली में NCR के खिलाफ धरना लगता तो पंजाबी जाते हैं, तो अब ये घर की लड़ाई है। डिसिप्लिन जो है, शांतमय तरीके से ये सब कुछ हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है, कई बार इस तरह की वायलेंस भी होती है, पर ये इस बार बड़ा शांतमय तरीके है। ये संगठन जो इस तरह से आप देख रहे हो कि युवा इतना चिंतन हो चुका है, या उसको पता है कि अगर लड़ाई झगड़ा हो कहीं मुद्दे से डाइल्यूट ना हो जाए, ये इस तरीके को आप किस तरीके से देखो? देखिए, वायलेंस को तो हर डिबेट में लाया जाएगा, हर लहर में लाया जाएगा। सबसे पहला वायलेंस तो तब हो जाता है जब ये फरमान निकाले जाते हैं। पहला वायलेंस तब होता है कागजी रूप में। अब लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं, ये अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब पता नहीं चलेगा कब वहाँ से बारूद एक शुरू हो जाएगा, टीयर गैस शेल का, वाटर कैनन का, और हमारे बुजुर्गों पे लाठियां चला दी जाएंगी। पीपली में हो गया, हम भगत सिंह को अपना आइडल मानते हैं ना, तो वही भगत सिंह ने जब लाला लाजपत राय के चोट लगी थी तो उसका बदला लिया था। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये अगर नौजवान को आपको सही रास्ते लगाना है तो आपको वो मिसाल पहले देनी होगी, आपको पहले वो सही नीतियाँ सही तरीके से काम करना होगा। वायलेंस कोई मूवमेंट से शुरू नहीं होता है, ये मूवमेंट से अगर लड़ा भी जाता है तो ये वायलेंस उस चीज को खत्म करने के लिए होता है जिसने ये वायलेंस को शुरू किया। हम में से खेती कौन कौन करता है ये मेरा बताएं? आप आइए सामने, आगे आइए, आगे आइए। आपका नाम क्या है? सतनाम सिंह है। जरा आप हिंदी में बोले तो अच्छी बात है। मुझे ये बताइए कि जो कहा जा रहा है कि आमदन आपकी दुगनी हो जाएगी, आपको लगता है कि आपकी आमदन दुगनी होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। थोड़ा ऊंची बोलिए। मुझे नहीं लगता कि इससे आमदन दुगनी होगी। जैसे कि बिहार में है, बिहार के किसान हैं, 20-20 किलो वाले हैं, यहाँ पर आकर लेबर की मजदूरी करते हैं, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर छोटी कास्ट बहुत कम है। मेरी समझ से ये मुश्किल है। ठीक है, एक और नौजवान है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तलजिंदर सिंह है जी। तलजिंदर, आप, मैं देख रहा हूँ किसान यूनियन का झंडा उठाया हुआ है और गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी है, और नॉर्मली ये जो हाईवे है ये कोविड के दौरान बंद कर दिया जब कर्फ्यू था, और उसके बाद मुझे लगता है आज ये शांत है। यहाँ पे आज सिर्फ किसान है और युवा है, तो आपको लगता क्या है कि ये जो हाईवे के ऊपर आके प्रोटेस्ट करना, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचानी, ये आज के युवा को इस चीज की समझ पड़ गई है कि उसका जो फ्यूचर आने वाले समय में इसका नुकसान हो सकता है या फायदा हो सकता है, आपका विचार क्या है? देखो जी, इसका सारा ही नुकसान है, क्योंकि किसान है, किसान दे उत्ते देश डिपेंड है, जे किसान ही नहीं रहेगा तो देश कित्थे रहेगा। तो दूजी गल है, तुसी देख लो भी 90% लोग इस दे खिलाफ है, 90.9% खिलाफ है, तो उन्होंने सरकार नू मननी चाहिए है। जब जिन्हें फसल उगानी है वही नहीं खुश है, तो तुसी इनू जबरदस्ती क्यों हो रहे हैं? एक बार ये दिखा दें, हाईवे है एक तरफ देखना जी, ये हाईवे है तो इसके आगे अम्बाला जो शहर है वो शुरू हो जाएगा, और फिलहाल हम पंजाब की तरफ खड़े हैं, तो ये आज ठप है। कोई भी दिल्ली से, हरियाणा से या किसी और स्टेट से पंजाब में कोई भी गाड़ी जो है आज एंटर नहीं कर रही, क्योंकि आज पूर्ण बंद है, और ये बहुत देर के बाद ऐसा आंदोलन पंजाब में देखने को मिल रहा है। समय समय पर किसान या और मुद्दों को लेकर धरने प्रदर्शन होते हैं, पर इस बार का जो धरना प्रदर्शन है, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो भी किसान के जो है पीछे खड़ी हो गए, सिर्फ एक पार्टी को छोड़कर। तो ये एक तरह से कह समझो कि किसान जो है पंजाब का, या युवा जो पंजाब का है, वो इस मुद्दे के ऊपर अब खड़ा हो चुका है। अब देखना यही होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से किसान जथेबंदियां ने, जितनी भी संगठन है, उन्होंने पंजाब में जो रेल है अब उसे ठप करने का ऐलान किया है। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।